अंकिता लोखंडे एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। लोखंडे का जन्म तनुजा लोखंडे के रूप में 19 दिसंबर 1984 को इंदौर में हुआ था। उनका जन्म एक मराठी परिवार में शशिकांत लोखंडे और वंदना फनीस लोखंडे एक शिक्षक के घर हुआ था। 11 उनके दो भाई सूरज और अरुण और एक बहन ज्योति भी हैं। स्नातक करने के बाद वह अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए 2005 में मुंबई चली गई। वह अपने शुरुआती दिनों में बैडमिंटन चैंपियन रही है। भारत की सर्वश्रेष्ठ सिनेस्टार की खोज 2007-09 में भाग लेने के बाद लोखंडे को एकता कपूर के दैनिक धारावाहिक पवित्र रिश्ता में अर्चना देशमुख की मुख्य भूमिका मिली। उन्होंने 2009 से 2014 तक सुशांत सिंह राजपूत और हितेन तेजवानी के साथ अर्चना की भूमिका निभाई। 12-13 पवित्र रिश्ता ने 2013 में एक पीढ़ी की छलांग लगाए और लोखंडे ने करणवीर मेहरा के साथ अर्चना की पोती अंकिता करमरकर की भूमिका निभाना शुरू कर दिया, जब तक कि श्रृंखला 2014 में समाप्त नहीं हो गई। 14-15 लोखंडे ने झलक दिखला जा 4 में भाग लिया, जहां उन्हें 5वां स्थान मिला। 16 और कॉमेडी सर्कस का नया दौर, उन्होंने सचिन श्रॉफ के साथ एक थी नायिका के लिए 2 एपिसोड किए। अभिनय से 2 साल के अंतराल और राजपूत से अलग होने के बाद ऐसी खबरें थी कि लोखंडे संजय लीला भंसाली की पीरियड ड्रामा पद्मावत 2018 से अपनी फिल्म की शुरुआत करने के लिए तैयार थी। 19 हालांकि उन्होंने ये कहते हुए फिल्म छोड़ दी कि वह उस समय फिल्मों के लिए तैयार नहीं थी। 20 अगले वर्ष अटकलें फैल गईं कि उन्हें संजय दत्त के साथ गिरीश मलिक की फिल्म तोरबाज के लिए साइन किया गया है। 21 हालांकि अफवाहें झूठी साबित हुई जब मलिक ने कहा कि लोखंडे फिल्म में शामिल नहीं होंगे। 2018 में लोखंडे ने घोषणा की कि वह रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य नाटक कृष और कंगना रनौत के संयुक्त निर्देशन उद्यम मणिकर्णिका का द क्वीन ऑफ झांसी में एक योद्धा झलकारी बाई की भूमिका में अपनी फिल्म की शुरुआत करेगी। ये फिल्म गणतंत्र दिवस 2019 की पूर्व संध्या पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 23-7 बॉलीवुड हंगामा ने कहा, झलकारी बाई के रूप में लोखंडे उत्कृष्ट हैं और अपने सीमित स्क्रीन समय में जबरदस्त छाप छोड़ती हैं। 24 लोखंडे ने अगली बार 2020 में साजिद नाडियाडवाला की एक्शन थ्रिलर फिल्म बागी 3 में अभिनय किया, जो बागी 3 का तीसरा भाग है, जिसमें टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख शामिल हैं। उन्होंने कपूर की बड़ी बहन की भूमिका निभाई, जो देशमुख के चरित्र से विवाहित है। 25-26 ये फिल्म भारत में कोविड-19 महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने से पहले रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस के प्रदर्शन को प्रभावित किया। फिल्मफेयर ने कहा, श्रद्धा और अंकिता दोनों लड़कियों के उग्र चरित्र होने के बावजूद फिल्म में वास्तव में कुछ भी करने को नहीं है। लोखंडे ने 2021 से 2022 तक शाहिर शेख के साथ वेब श्रृंखला पवित्र रिश्ता इट्स नेवर टू लेट में अर्चना देशमुख के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 28 अपनी समीक्षा में अर्चिका खुराना ने कहा, अर्चना के रूप में अंकिता एक अच्छी तरह से संतुलित और पसंद करने योग्य प्रस्तुति देती हैं। प्रदर्शन वह हमें विश्वास दिलाती है कि यह भूमिका उसके लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। 29 फरवरी 2022 में लोखंडे ने अपने पति विक्की जैन के साथ स्टारप्लस के स्मार्ट जोड़ी में भाग लिया और बाद में सीजन की विजेता बनी। 2023 में उन्होंने फिल्म द लास्ट कॉफी में तलाक से गुजर रही एक महिला की भूमिका निभाई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, लोखंडे शानदार दिखते हैं और भावनात्मक दृश्यों में चमकते हैं। 32-2023 से 2024 तक लोखंडे रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 17 में एक प्रतियोगी के रूप में दिखाई दिए। वह अपने पति विक्की जैन के साथ शो में शामिल हुई। लोखंडे को शो के तीसरे रनअप के रूप में रखा गया था। 2024 में लोखंडे स्वतंत्र वीर सावरकर में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने रणदीप हुड्डा के साथ यमुनाबाई सावरकर की भूमिका निभाई। 35 इंडिया टुडे की सना फरजीन ने कहा, अंकिता लोखंडे एक ईमानदार प्रदर्शन देती हैं, भले ही उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। उन्होंने पवित्र रिश्ता 2009-2014 में अर्चना की भूमिका से अभिनय की शुरुआत की और 3 गोल्ड अवार्ड, 1 आईटी अवार्ड और 1 इंडियन टेली अवार्ड की प्राप्तकर्ता हैं। 4-5-6 वह मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी 2019, बागी 3 2020 और स्वातंत्र्य वीर सावरकर 2024 फिल्मों में भी दिखा।